अच्छा जी, मैं इस वक्त हूँ पाक पतन चौक पे, पाक पतन चौक सामने, और यहाँ से हमने जाना है स्ट्रेट उकाड़ा। आधा घंटा इंतज़ार किया लेकिन कोई बाइक वाला नहीं आया। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद एक भाई मिले, उन्होंने यहाँ तक उतारा। अब यहाँ से हम फिर कोई देखेंगे, जो भी मिल जाए तो उकाड़ा तक जाना है। और आज धुंध बहुत बहुत ज़्यादा है। हमसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, सर आप किस तरफ जा रहे थे? मैंने उकाड़ा जा रहे थे। वहाँ तक आप मुझे छोड़ देंगे? मैं तो यूसुफ वाले तक ले जा सकता हूँ। बस वहाँ तक, जहाँ तक आप जा रहे हैं छोड़ देंगे मुझे? बहुत शुक्रिया सर। वो जो आदमी नहीं गया जी 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 जी, उसी के साथ जाना था। अभी यू टर्न लेना पड़ेगा सर आपको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम। मैं इस वक्त हूँ यूसुफ वाला पे। अंकल ने यहीं तक जाना था पीछे, तो मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप बना हुआ है। तो कह रहे थे यहाँ से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो बड़े ही टेंशन वाले हैं, क्योंकि नज़र कुछ आ ही नहीं रहा। तो देखते हैं अब क्या होता है, अल्लाह मालिक है। उकाड़ा यहाँ से 30 किलोमीटर है, और देखते हैं कोई अगर मिलता है तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह। कोई गाड़ी मिल जाए, कोई ना कोई कुछ भी मिल जाए। फिलहाल तो अनप्लान था, ये डिसाइड हुआ नाश्ते के टाइम पे कि मुझे जाना चाहिए मीर चाकर के मकबरे पे। और जब घर से बाहर निकल के हालात देखा तो कोई हालात ही नहीं थे। लेकिन बस अब फिर स्टेप ले लिया था, तो अल्लाह का नाम लेके सोचा कि बस अब देखते हैं जो होगा, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो ये बसेस तो आ रही हैं, लेकिन मैंने पैसे देके जाना नहीं है, मैं जाना है फ्री में। बैठ जाऊँ फ्री में? बैठ जाऊँ, बहुत शुक्रिया। आगे रोड ब्लॉक है, कह रहे हैं कि 3-4 गाड़ियाँ लगी हैं, एक्सीडेंट हुआ है। काफ़ी देर पहले हुआ है इसलिए ट्रैफिक खोल दी है अभी इन्होंने। दीपालपुर चौक उतरना, वहाँ से गाड़ी पे रक्षे में बैठ के चले जाना। सालिम कराना है या तोड़ ला गया है ऑटो रक्षा, वहाँ तो ही बचो, पैसे लेगा ये। भाई हर रक्षा कह रहा है इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो। जी मैं हूँ इस वक्त उकाड़ा बाईपास पे, तो यहाँ से आपको लिफ्ट लेंगे फिर और आगे जाएंगे। ये तो सारे ऑटो वाले भाई हैं, ये तो लक्ष्मी मांगते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं किसी से लिफ्ट लेके जाना है। उकाड़े जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे उकाड़ा शहर में जाना है, मैंने एक्चुअली जाना है सतगरा, तो आप मुझे वहाँ तक पॉइंट तक लिफ्ट दे सकते हैं? थैंक यू।
ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਲ ਆਏਗਾ ਸਤਗੁਰ ਆ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਯਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨਾਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਈ ਆਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੁਕਨੇ ਕੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ सहिवाल में भी इतने लोगों को इशारा किया आधे घंटे बाद एक भाई रुके उसने मुझे चौक पर उतारा बाईपास पर उतारा और यहाँ पर भी अब देखें तो लकीली मुझे बस मिल गई और एक अंकल मिल गया तो उन्होंने मुझे जल्दी पहुँचा दिया अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन मिलता है ये तो मुझे लगता है कोई करीब करीब वाले हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल जी आप किस तरफ जा रहे हैं ये पता मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स अंकल जी मैंने जाना है सतगुरा 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 और इसी रास्ते से जाना है ये तो बेटा फिर कोई और किस सवारी होगी मैं जी 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 इतनी डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बहुत शुक्रिया थैंक यू फिर ऐसे है कि मुझे थोड़ा सा आगे चलना चाहिए अस्सलाम वालेकुम भाई आप कहाँ तक जा रहे हैं मैंने जाना है सतगुरा ये आपके रास्ते में आएगा बीच में कहीं सतगुरा नहीं उस रास्ते पे आगे सतगुरा नहीं आता अच्छा ठीक है शुक्रिया शुक्रिया ना नहीं कोई बात नहीं भाई आपने जाना कहाँ मैंने सतगुरा जाना है अस्सलाम वालेकुम मैंने सर जाना है सतगुरा सतगुरा जाना जी तो आप इधर से चले जाएं सीधा आगे फैसलाबाद रोड आ जाएगा ठीक है उससे आगे सीधे जाएं इस तरफ टर्न हो जाना ठीक है आप कहाँ तक जा रहे हैं जी मैं तो इधर ही जा रहा हूँ ठीक है मुझे वहाँ तक चौक तक आप लिफ्ट दे देंगे शुक्रिया थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मैंने सर जाना है सतगुरा आप कहाँ तक जा रहे हैं नहीं जा रहे इधर ही जा रहे हैं 36-37 जा रहे हैं अच्छा ठीक है फिर आप जाएं 36-37-38 मैंने नहीं जाना मैंने 39-40 जाना है मोड़ पर जा रहे हैं मुझे वहाँ तक उतार देंगे आप नहीं नहीं आप कहाँ तक जा रहे हैं मैं ये जगह जा रहे डेरा में जा रहा हूँ नहीं नहीं फिर आप जाएं फिर मैं किसी और को देखता हूँ छोड़े तो आप कहते हो नहीं जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया बेचारा भाई तो कंफ्यूज हो गया पेट्रोल ही चेक करने लग गया किसी और को देखते हैं अस्सलाम वालेकुम 1.5 किलोमीटर तो मैंने पैदल वॉक कर ली है जिसको भी इशारा किया है वो कहता है जी मैंने इधर लेफ़्ट जाना है तो वो जगह मैंने क्रॉस कर ली है लेफ़्ट कि ये बहाना ही ख़त्म हो जाए कि हमने लेफ़्ट जाना है अभी तक कोई बाइक आई नहीं है एक गाड़ी आई थी वो किसी MP MNA की लग रही थी तो मैंने गलती से इशारा दे दिया तो वो रुक भी गए थे पीछे एक पुलिस की गाड़ी थी उन्हें मैंने कहा जी आप जाएं आपके साथ हमारी यारी नहीं हो सकती तो फिर बस अभी उसके बाद फिर कोई मिला ही नहीं धुंध इतनी ज़्यादा है पीछे एक बंदा ऐसी नशे सा था वो काफ़ी देर तक साथ चलता रहा वो आगे जाके ना खड़ा हो गया उसने मेरे हाथ में कैमरा देखा तो फिर मैं उसके पास जाके कहा हाँ भाई इधर क्यों घूम रहे हो कहता है खड़ा हूँ मैंने कहा चल आगे जाओ शाबाश मैं इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी पे हूँ अब पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं सारी वो चला गया एक गाड़ी को तो इशारा किया है इसमें फैमिली बैठी है पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम जी सर मैंने जाना है सतगुरा नहीं नहीं मैं इधर जाऊंगा बोर्ड पे मतलब बात वो बोर्ड पे मुझे आप वहीं तक उतार देंगे हां उतार में बैठ जाओ थैंक यू YouTube चैनल भी आपका भाई जी सर YouTube आप लोग सरमाया हो हमारी कौम का भाई सर थैंक यू तो आप ना सोसाइटी के लिए बड़ा कुछ करते हो अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे अच्छा जी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने सतगुरा मोड़ का भाई लोग मुझे पीछे बता रहे थे लेकिन सतगुरा तो कहते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर है और ये यहाँ से भी मैंने जाना है सतगुरा मोड़ उसके
उसके बाद वहाँ से सतगरा जाएंगे हम। तो ये देखते हैं फिर कोई सवारी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सतगरे मोड़ दे। अच्छा ठीक, जाए भाई उधर ही जा रहे थे लेकिन मैंने सोचा किसी और के साथ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जाना है सतगरा मोड़। शुक्रिया। सतगरा चौक भाई ने उतारा है, अब यहाँ से फिर कोई लिफ्टा वफ्टा देखते हैं। ये जी देख लें सतगरा चौक आप लोग। आपने किधर जाना है? मैंने पीछे जाना, मैं किस्त जमा करा। अच्छा अच्छा, कौन सी किस्त? मोटरसाइकिल की? नहीं दूसरी, मोबाइल की। मोबाइल की? कौन सा मोबाइल लिया है? इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स कितनी किस्त है? करीब 4500। 4500 तो मोबाइल कितने का है? मोबाइल कितने का है? 10,000 रुपया जमा कराया पहले। अच्छा 75,000 का मोबाइल है। माशाल्लाह आप तो हमसे अच्छे रह गए। हम तो अब तक सोच में पड़े हुए हैं कि मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है। हमारी तो कैमरा लेके ही बस हो गई है। सर्दी लग रही। सर्दी, आप जाएँ, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। ये साइकिल वाले भाई तो आ रहे हैं लेकिन ये तो मेरी तरह के ही हैं, ये तो कल ही पहुँचाएंगे फिर। भाई ने तो इधर आगे ही जाना है, पता नहीं कौन सा बताया, झरोका पता नहीं क्या, समझ नहीं आया सही से। अभी फिर कोई लोग हैं, असल में यहाँ पे आगे मुझे लगता है कोई और भी जगह है जो ये भाई कह रहे हैं। तो जितने भी बाइक्स वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, वो सब इधर ही मोड़ रहा है। तो या तो मैं वहाँ तक मुझे कोई छोड़ दे और मुझे आगे से बिल्कुल लिफ्ट मिल जाए। तो वो पता नहीं कितनी दूर है, ये लोग तो कहते हैं कि यहीं है यहीं है, लेकिन इनका यहीं और मेरे यहीं में बड़ा फ़र्क है। अंकल मिल गए, ये भी सतगरा ही जा रहे हैं, तो ये अच्छा हो गया, आप सीधे उधर ही जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। एक भाई तो आ रहा है, नहीं लक्कड़ है इनके पास। अच्छा आप तो वही हो, आपने किधर जाना है? मैंने इधर ही जाना है। अच्छा, मैंने सतगरा जाना है। ठीक है जी, शुक्रिया। ये फिर वही भाई हैं जिनको मैंने बाइक पे कहा था कि इनके साथ नहीं जाना। ये मकबरा चाकरे आ गए, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करो ना, अभी आने हूं। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, हम पहुंच गए मीर चाकरे आज़म व्रंत सतगरा, इनके मकबरे पे आ गए। यहाँ पे एक भाई मुझे मिलेंगे अभी, उन्हें फ़ोन करते हैं, वो ये सारा विज़िट करवाएंगे।